नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहद खूबसूरत नेट पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे आप शॉल में बनाइए, स्टॉल में बनाइए, शग में बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस स्कार्फ बनाइए इस डिजाइन से, आप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे बनाने के लिए हमें सम संख्या में फंदे चाहिए, यानी जो दो से करते हों ऐसी संख्या में कोई भी फंदे हमें चाहिए। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और पहले इसे थोड़ा सा ढीला कर लें। दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक, ऊन अपनी तरफ करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे। दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे एक फंदा घटा रहे हैं, यानी जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो जा रहे हैं। उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक और दो, दो फंदों को एक साथ लेंगे, ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। यहाँ पे हमने एक जाली दी और यहाँ पे एक फंदा घटा दिया, यानी जितने फंदे थे उतने वापस हो गए। उन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक। उन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे। उन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे। दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक, यानी जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो जा रहे हैं। यहाँ जाली देने से एक फंदा बढ़ रहा है और दो फंदे का एक करने से एक फंदा घट रहा है। तो जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो जा रहे हैं। तो इन्हीं दो फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। एक उन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे। उन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ऊन को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक और दो, और दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो का एक। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाना है, फिर दो फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक। ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाना है, दो फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक। इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। पहले हमें जाली देना है, फिर दो फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेना है। जाली दिया, दो फंदों को एक साथ लिया और उल्टा बुनते हुए दो का एक। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो हम अपना पहला लाइन ही दोहराएंगे, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक। ऊन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो का एक। देखिए, थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन स्पष्ट हो रहा है। दो ही फंदे का और दो लाइन का ही ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन बेहद आसान है और बेहद खूबसूरत। अभी थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं दो फंदों को और दो लाइन को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला गया है। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।